So hey guys, I'm Satish from ACES Classes and welcome to this video. In this video, we are going to discuss the CAT, MST CAT, about the syllabus and different the dates of the CAT. Also, we can see how you can prepare for the CAT. So let us consider this is website and you have to go just by typing MST CAT 2023 mahacat.org. तो इस पेज पर जैसे ही आप जाएंगे तो ये लिंक आप ओपन करके देख सकते हैं कि ये होम पेज है और यहाँ से हम सिंपली यहाँ से न्यू रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ऑलरेडी तो आपने रजिस्ट्रेशन किया होगा और रजिस्टर कैंडिडेट लॉगिन तो यहाँ से भी हो सकता है, ये दो जो ऑप्शंस है, या फिर सिंपली आप न्यू रजिस्ट्रेशन इस टैब पर क्लिक कर सकते हैं जहाँ पर ये आप देख सकते हैं इस कलर का, या फिर आप इस आइकन पर क्लिक करके ऑलरेडी रजिस्टर पर क्लिक करके आपका जो फॉर्म है डेट या फिर लॉगिन कर सकते हैं। सो लगभग यहाँ पर देख सकते हैं आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और कंफर्मेशन जो कि है एप्लीकेशन का, जो कि हम इस वेबसाइट से फील करते हैं, वो 8 मार्च से लेकर 7 अप्रैल तक है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम जानेंगे कि इम्पोर्टेंट डेट्स क्या है। तो इम्पोर्टेंट डेट्स आप देख सकते हैं यहाँ पर, तो यह है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एंड कन्फर्मेशन डेट अप टू द 7 अप्रैल, और जो कि है रेगुलर फीस की, और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन विथ मतलब एडिशनल लेट फीस जो कि है 500 रुपीज़ ईच कैटेगरीज पर लग जाएगी। मतलब यहाँ पर आपको कोई भी छूट नहीं है, यानी कि डिस्काउंट नहीं है। तो 8 अप्रैल से लेकर आगे 15 अप्रैल के दरमियान, यानी कि बिटवीन, आप ये फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। ओके, उसके बाद हम डाउनलोड्स के अंदर क्लिक करेंगे और आपको सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ मैं यहाँ पर दिखाना चाहता हूँ वह है कि सिलेबस ऑफ MHT CAT 2023। तो इस पेज पर हम ओपन कर रहे हैं, ओपन लिंक विद इन न्यू टैब कर रहे हैं मैं। तो जैसे आप देखेंगे तो ये कुछ इस तरह का दिख रहा है आपको, तो मैं इसको थोड़ा सा जूम कर रहा हूँ आपके लिए। सिलेबस एंड मार्किंग स्कीम फॉर मतलब फर्स्ट ईयर ऑफ जो भी आप देने वाले हैं CAT, इंजीनियरिंग के लिए है या फिर फार्मेसी डिग्रीज है या फिर मेडिकल के अंदर जो भी आते हैं, पर्टिकुलरली MST CAT पर फार्मडी यानी डी फार्मेसी, इसके लिए PG कोर्स के लिए भी आता है। तो सबसे पहले तो हम जानते हैं कि CAT के लिए इंपॉर्टेंस क्या है। तो आपको इंपॉर्टेंट ये ध्यान रखना है कि 20% जो सिलेबस है वो 11 साइंस का रहेगा और 20 जो रिमेनिंग 80% है वो जो करिकुलम रहेगा वो रहेगा 12 साइंस का। तो इस तरह का 100% आपको हो जाएगा। सो आपको इंपॉर्टेंट बात जो थर्ड पॉइंट है, यहाँ पर नो नेगेटिव मार्किंग है, मतलब यहाँ पर नेगेटिव स्कीम मार्किंग नहीं है, और डिफ़िकल्टी लेवल जो है वो भी मतलब इतना भी हार्ड नहीं है एज़ कम्पेयर टू नीट या फिर JEE मेंस, बहुत ही आसान रहेगा। अगर आपने बोर्ड्स के एग्ज़ाम्स मतलब बहुत अच्छे से दिए या फिर प्रिपरेशन बहुत अच्छे से हुआ है तो आपके लिए ये अच्छा एग्ज़ाम है। फोर्थ पॉइंट हम देख रहे हैं कि MST CAT विल कंसिस्ट ऑफ 3 पेपर्स मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, यानी कि सिर्फ MCQ बेस्ड रहेंगे और ईच पेपर विल बी ऑफ 100 मार्क्स। तो यहाँ पर PCM के लिए 200 मार्क्स रहेंगे और जिनका PCB है उनके लिए भी 200 मार्क्स रहेंगे। अगर तीनों भी हम कंबाइनली करते हैं तो 300 हो जाएंगे। जिनका PCM प्लस PCB है यानी कि PCMB, तो टोटली यहाँ पर 300 मार्क्स का यहाँ पर पेपर हो रहा है। आप देख सकते हैं पेपर 1 यानी कि मैथमेटिक्स है और यहाँ पर स्टैंडर्ड 11 के 10 क्वेश्चंस और स्टैंडर्ड 12 के 40 क्वेश्चंस, तो टोटल लो यहाँ पर 50 क्वेश्चंस एंड पर क्वेश्चन 2 मार्क्स के हिसाब से हम यहाँ पर देख रहे हैं 100 मार्क्स टोटल हो रहे हैं। और आपको जो टाइम ड्यूरेशन है वो सिर्फ 90 मिनट्स का है, इसका आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। और पेपर 2 जो है वो कंपलसरी है PCM के लिए, PCB के लिए, फिजिक्स केमिस्ट्री है, और 10 फिजिक्स के रहेंगे, 11th के और 12th के रहेंगे 40, तो 50 फिजिक्स के हो रहे हैं। और केमिस्ट्री के यहाँ पर रहेंगे 10 क्वेश्चंस 11th स्टैंडर्ड के, 40 क्वेश्चंस रहेंगे 12th स्टैंडर्ड के। टोटल यहाँ पर अगर देखें तो 100 क्वेश्चंस हो रहे हैं। और यहाँ पर मतलब मज़े की नहीं बोलूँगा लेकिन थोड़ी सी इंटरेस्टिंग या फिर बोलूँगा यहाँ पर थोड़ी सी आपकी ट्रिक की बात है, 1 मार्क के लिए 1 क्वेश्चन रहेगा फिजिक्स और केमिस्ट्री का। तो इस प्रकार से 100 क्वेश्चंस फॉर 100 मार्क्स रहेंगे। नेक्स्ट थर्ड पेपर जो इम्पॉर्टेंट है वो PCB ग्रुप के लिए रहेगा, यानी कि बायोलॉजी के लिए जो पेपर है वो 100 मार्क्स का रहेगा और 100 क्वेश्चंस रहेंगे। ठीक है, 1 मार्क्स फॉर ईच क्वेश्चन। सिर्फ मैथमेटिक्स का है 2 मार्क्स का 1 क्वेश्चन, लेकिन यहाँ पर नहीं है, फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी में 1 क्वेश्चन 1 मार्क्स के लिए रहेगा। और 5 नंबर का हम पॉइंट देख रहे हैं, द क्वेश्चंस विल बी ऑन द सेट। तो होल सिलेबस ऑफ स्टैंडर्ड 12th लाइक 2022 और 23, जो एकेडमिक ईयर है ना आपका इस साल का, जो
पूरा सिलेबस पर डिपेंड है और बोर्ड के एग्ज़ाम्स पूरे सिलेबस पर हो चुके हैं। अभी यहाँ पर आपको ये बात बहुत ही स्ट्रिक्टली नोटिस करनी, आपके लिए छूट है, डिस्काउंट है। तो लास्ट ईयर यानी कि 2021 और 22 के अंदर जो भी आपका सिलेबस था 11th स्टैंडर्ड के लिए, वही पूछा जाएगा आपके 20% सिलेबस के अंदर, यानी कि 11th साइंस के सिलेबस के अंदर, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथ्स हो या फिर बायोलॉजी हो। तो फिजिक्स के आप यहाँ पर चैप्टर देख सकते हैं, केमिस्ट्री के देख सकते हैं, मैथमेटिक्स के देख सकते हैं और बायोलॉजी के भी आप देख सकते हैं। बहुत आसान सिलेबस रहेगा आपका 11th साइंस का, क्योंकि सिलेबस जो है वो 25% ऑलमोस्ट रिड्यूस था। तो आप ये जो PDF है इस वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। फिलहाल हम इस वीडियो में ये नोटिफिकेशन जान चुके हैं और ये इंपॉर्टेंट बातें मैंने दिखाई, वो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कि एग्जैक्टली आप विद इन अ टाइम ऑफ पीरियड जो भी बचा है एग्जाम्स के पहले, उसके अंदर आप किस प्रकार से आपका स्टडी कंप्लीट कर सकते हैं, वो मैं बताने की कोशिश करूँगा। सो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग।